సినీ వచ్చే తర్వాత. थोड़ा पीछे सुनिए, थोड़ा पाछड़ा होना. सुना को अच्छा आवे सभी और तो आई जाए क्या मैंने मैंने वीडियो ले लिया तो रुका अपन दोनों वीडियो लेते सारा मैडम एकदम समर बगाई थे पूर्ण एक समोरचाच टाकशील वाकडा कुठं टाकून आणि ते मागून सगळं नाही वाटत. हां थँक्यू. ओके सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी फिल्म की अगर मैं बात करूँ डेब्यू फिल्म है और बहुत तारीफ हो रही है. ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी की डेब्यू फिल्म इतनी सारी बातें हैं एंड जब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैपनिंग हो रही हैं. कंगना रनावत हैं जी आप हैं तो डेब्यू फिल्म से आने से पहले अंकिता जी ऐसी सारी बातें होती चाहे मैं सोशल मीडिया की बात करूँ या मीडिया में अगर बात करूँ कि वाह बहुत ही अच्छी मूवी है. एज एन एक्टर एज एन ह्यूमन बींग एज ए ह्यूमन बींग से अपने आप पर प्राउड होता है और इतने हार्डवर्क जो हमने किया है उसका जब भी रिजल्ट ऐसे मिलता है लोग तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है. स्वागत है आपका मणिकर्णिका फिल्म में. थैंक यू थैंक यू. ये जो आपका कैरेक्टर है जलकारी बाई ये हम जितना मेरा नॉलेज है इंडियन हिस्ट्री में एंड ऐसे जनरल में लोगों को बहुत ही कम नॉलेज है. बहुत कम नॉलेज है लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में. बस वही बट ऐसा नहीं है जितनी भागीदार अगर रानी लक्ष्मीबाई रही हो उतनी ही भागीदार झलकरी बाई रही. झलकरी बाई रही और सबसे ज़्यादा हर कोई जब उस वक्त शहीद हुआ है वो हर कोई उतना ही भागीदार रहा है. तो जब मुझे मौका मिला झलकरी बाई प्ले करने का और जब मुझे ये पता चला कि वो इतना बड़ा हिस्सा थी यू नो मैंने तुरंत इसे अपने झोली में डाल लिया. मैंने बोला मैं इसे नहीं छोड़ूंगी क्योंकि एक ऐसे किरदार करने के मौके आपको हर बार नहीं मिलते हैं और ऐसी चीज़ से किसी चीज़ का डेब्यू करना अपने करियर का डेब्यू करना इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी लाइफ में नहीं हो सकती. तो बस मैंने सोचा आई हैव टू ग्रैब इट और मैंने पकड़ लिया और मैंने झलकरी को जी जान से प्ले किया जी. वो हमने देखा ट्रेलर में जी ट्रेलर आए जी उसकी भी हम बात करेंगे. लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप मानती हैं कि इस फिल्म आने के बाद आपका जो कैरेक्टर झलकरी बाई का जो कैरेक्टर है वो बहुत पॉपुलर आई विश ऐसा हो. मुझे जेन्यू मैं क्या वो इतनी बड़ी हस्ती हैं झलकरी बाई तो अगर मैं उनको कुछ वो निभा कर मैं कुछ इस फिल्म की वजह से वो अगर कुछ लोगों के नज़रों में आकर इतनी बड़ी बन जाएंगी तो बहुत ही अच्छी बात होगी. और आई एम श्योर जो राइटर्स ने लिखा है जो इन लोगों ने लिखा है वो इसी मकसद से लिखा है कि जहाँ झलकरी बाई को जहाँ लोग सिर्फ एक हिस्से तक जानते हैं अब वो पूरी दुनिया जानेगी झलकरी को अब वो पूरी दुनिया जानेगी. सो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे मौका मिला ये करने का और उनको उनका उनके इस उन झलकरी बाई को मेरी तरफ से मैं मतलब प्रेजेंट करने का कि मैं दिखा रही हूँ उनको झलकरी कैसी हूँ. आपका जो मैंने ट्रेलर में देखा है जो पोस्टर एक पोस्टर जी देखा, जी गन एक पोस्टर में मैंने गन के साथ ही हूँ मैं हर जगह जी. जी हाँ बिल्कुल हमारे वर्कशॉप्स थे 40 दिन के वर्कशॉप हुए थे हमारे और उसमें जो हमारे निक पवेल करके डायरेक्टर एक्शन डायरेक्टर थे वो वहाँ पर थे और उन्होंने हॉलीवुड से आए थे वो हमें सिखाने के लिए. तो 40 दिन तक उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है प्रॉपर और 40 दिन तक ट्रेनिंग दी हमें और उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया. स्वॉर्ड फाइटिंग की हमने तलवार चलाई है
बहुत सारी, घोड़े दौड़ाए हैं बहुत सारे और बंदूकें चलाई हैं, तो बस अब हलकरी बाई निकल गई है ऐसे लगा। बिल्कुल, आप बस दुआ कीजिए ऐसा हो। अच्छा, इन सारी चीजों के तलवार चलाना, हॉर्स राइडिंग करना, बंदूकें, इन सब में आपने सबसे ज्यादा एंजॉय क्या किया? हां, ये बहुत मजा आ रहा है यार, इसे बार-बार रिटेक। आई थिंक मैंने स्वॉर्ड फाइटिंग, मुझे तलवार चलाना बहुत मजा आया और मैंने बहुत शिद्दत से तलवारें चलाई और काटा पीटा है लोगों को और तो मुझे बहुत मजा आया ये करने में। पर घोड़ा दौड़ाने मुझे बहुत बहुत डर लगता है, मुझे घोड़ों से बहुत डर लगता है। तो जब मैं वो चला रही, जब मैं सीख भी रही थी तो बहुत बार मैं गिरी हूँ, बट हाँ, बट फिर भी मुझे लगा कि ठीक है, वो तो होता रहता है, बट मुझे मुझे मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं थी हॉर्स राइड के लिए। चलिए, अगर मैं कंगना रनौत की अगर मैं बात करूँ, वो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो इस फिल्म के एक्टर हैं, उनके साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्योंकि हमारी अगर इंडस्ट्री की अगर बात करूँ तो बहुत सारे बार उनकी क्रिटिसिज्म की जाती है, लेकिन आपने तो उनके साथ में काम किया। मुझे ऐसा लगता है वो एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, वो बहुत ही डिसिप्लिन कलाकार हैं। और एक एक्टर को नहीं, एक दुनिया में हर एक इंसान को बहुत डिसिप्लिन होना ज़रूरी, तभी वो सक्सेस पाता है। तो आई थिंक जहाँ आज कंगना है वो उसी का वो एक रीज़न है, जो वो डिसिप्लिन अपने लाइफ में फॉलो करती है अपने काम को लेकर, जितनी वो हार्ड वर्कर है अपने काम को लेकर। एंड कहीं ना कहीं मैं इसलिए रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ, जब मैं अपना काम करती हूँ तो आई गिव माई बेस्ट, मैं किसी की सुनती नहीं हूँ, जब मुझे जो करना होता है वो करती हूँ, और चाहे वो सही हो गलत हो, ये मेरा मेरी रिग्रेट होगा अगर मैं गलत करूँगी तो, और मेरा ही स्टैंड होगा अगर मैं सही लूँगी तो। सो दैट्स वाई हम लोग, मैं और कंगना बहुत अच्छे से जेल कर पाए, और काम करने में इसीलिए शायद मज़ा आया क्योंकि हम दोनों का तरीका कहीं ना कहीं एक जैसा है। जी जी जी, तो डायरेक्शन जितना तो हमने ट्रेलर में देखा बहुत ही औसम लग रहा है, तो आप बताइए कि कंगना ने मेरे कुछ सीन्स शूट किए हैं तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से उनकी मतलब शुरुआत की है एक अपने डायरेक्शन की करियर की। सो आई रियली विश हर द बेस्ट, क्योंकि आई एम श्योर आज तक उन्होंने जो किया है उसमें उन्होंने सफलता पाई है और डायरेक्शन में भी वो ज़रूर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया पर जब से ये ट्रेलर आया है लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है, इंटरव्यू के जरिए भी लोग आपके इंटरव्यू सुनते हैं जी, लेकिन सोशल मीडिया पर आप यू नो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के लोग सवाल पूछते हैं कभी तो एक मैंने सुना था कि अंकिता जी आपने ऐसे फाइटिंग की है, हॉर्स राइडिंग की, सब कुछ की है, अंकिता जी को क्या खाना बनाने आता है? तो नहीं 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 नहीं, मुझे खाना बनाना नहीं आता नहीं, मुझे खाना बनाना आता है बट मैं बनाती रही हूँ क्योंकि मैं बहुत आलसी टाइप की लड़की हूँ। मतलब लड़कियों को शौक होता है खाना बनाने का यूजुअली, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। मुझे तलवार चलाने का ज़रूर शौक रहा है, वो मैं चला रही हूँ जी। आपके दोस्तों का क्या फीडबैक रहा? मेरे घर वालों का, मेरे दोस्तों का बहुत, मेरे फैमिली वाले तो अभी भी बिलीव नहीं कर सकते कि मैं बड़े स्क्रीन पर उनको दिख रही हूँ, क्योंकि वो सिर्फ वो ट्रेलर देखने के लिए वो सारी फिल्में देख रहे हैं जो उनको मैं उन ट्रेलर में दिख जाऊँगी, यू नो दैट्स व्हाई। तो एक अच्छा लगता है एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की को ऊपर आते देख, अपना पूरा परिवार, अपने फ्रेंड्स आपका सपोर्ट करते हैं और यू नो यू फील, आप अपने आप पर प्राउड करते हो कि आप अपने दम पर खड़े हुए हो जहाँ खड़े हुए हो, तो यू नो अच्छा लगता है। कोई ऐसा डायलॉग है जो आपका मैं इतना कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन सिर्फ मैं इतना ही बोल सकती हूँ, तड़प तड़प तड़प, दैट्स इट। ये दिखना चाहिए आपको 25 जान को मेरी तड़प। ओके, तो आने वाले दिनों में अंकिता जी, क्योंकि आपका हिंदी फिल्म में डेब्यू हो चुका है, तो आने वाले दिनों में किस तरह के एक्टर के साथ में हम आपको और भी देखेंगे? पहली फिल्म तो हमने आपको देख लिया कंगना जी के साथ में, आपका मेल फीमेल बोथ अगर मैं बात करूँ तो आप अभी तक मैं आपको मुझे हाँ मेरे फेवरेट जो हैं वो हैं सलमान खान, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एंड आई विश कि मैं उनके साथ कभी कोई यू नो एक फिल्म कर सकूं, बट एज सच अभी मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं कर सकती क्योंकि कुछ चीज़ें एक्सक्लूसिव हैं। सो जब होगा तब आपको फिर बुलाया ही जाएगा, आप फिर यहाँ होंगे ही होंगे। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है बट हाँ मैं उनके मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं संजय सर की बहुत बड़ी फ़ैन। बस आप विश कीजिए, दुआ मांगिए और ये दुआ मेरी पूरी हो जाए और क्या चाहिए। जी, और एक डायरेक्टर हैं अंकिता जी जो कि
हाली में राजकुमार ईरानी जिनका हाल ही में एक हमने देखा था मीटू कैंपेन चल रहा है उनका एक नाम आया, तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कैसे देखते हैं आप? आई थिंक आई एम नो वन टू जज अबाउट दीज थिंग्स क्योंकि मैं अभी मेरा डेब्यू हो रहा है इस चीज़ का और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है तो इसे उस अभी छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा सही होगा। चलिए 25 जनवरी थैंक यू, थैंक यू, प्लीज़ देखिएगा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।